हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम मई 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन जेएनके बेस्ड भी होंगे, मतलब जेएनके के करंट अफेयर्स भी होंगे तो वो भी कवर होंगे और कुछ क्वेश्चन जेकेपीएसए एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं तो वो भी आपको कवर हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स 2022 के, तो वो करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन है आज का, इंडियाज़ फर्स्ट एथनॉल प्लांट हैज़ बिन इनाग्रेटेड इन, इंडिया का फर्स्ट एथनॉल प्लांट कहाँ पे इनाग्रेट हुआ है, कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। राइट आंसर इज बिहार, और ये हुआ है बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स इस बुक के ऑथर कौन है? रमेश थमिलमानी, रशीद किडवाई, रमेश कंडोला, अमिताभ कुमार। राइट आंसर इज रशीद किडवाई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, किसको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन सीबीडीटी का? एम अजित कुमार, जे बी महापात्रा, संगीता सिंह, विवेक जौहरी। एंड राइट आंसर इज संगीता सिंह, ऑप्शन नंबर सी। वट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर डेट विल बी कमीशन ऑन 15 अगस्त 2022? इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको 15 अगस्त 2022 में कमीशन किया जाएगा तो इसका नाम क्या है? INS विक्रांत, INS तुशिल, INS खुकरी, INS कलिंगा। तो राइट आंसर इज INS विक्रांत, और INS की फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। इंडिजीनियस मतलब ये इंडिया में ही बनाया गया है। विच शिपयार्ड विल बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक वेसल, कौन सी शिपयार्ड इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक वेसल बिल्ड करेगी? L&T शिप लिमिटेड, हिंदुस्तान लिमिटेड, मजागोन डॉक, कोची शिपयार्ड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोची शिपयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री मित्रां योजना फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ 100 पब्लिक सर्विसेज, किस स्टेट ने मुख्यमंत्री मित्रां योजना लॉन्च की है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ 100 पब्लिक सर्विसेज के लिए, मतलब 100 पब्लिक सर्विस की डिलीवरी के लिए ये लॉन्च की गई है स्कीम, ये योजना? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम और ऑल MSMEs हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, इंडिया का फर्स्ट ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर ऑल MSMEs के लिए किसने लॉन्च किया है? DBS बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। राइट आंसर इज ICICI बैंक। MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। हु हैज़ स्टार्टेड द 90 डे कैंपेन आज़ादी टू अंत्योदय तक, किसने 90 डे कैंपेन स्टार्ट की थी जिसका नाम था आज़ादी टू अंत्योदय तक? गिरिराज सिंह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। राइट आंसर है गिरिराज सिंह, और ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं इंडिया के। विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द जीन बैंक फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, किस स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है जीन बैंक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट आंसर है महाराष्ट्र। हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस विटले गोल्ड अवार्ड 2022, किसने विटले गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? विनोद शर्मा, अन्नपूर्णा देवी, चरोदत्त मिश्रा, नारायण प्रधान। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चरोदत्त मिश्रा। हु हैज़ रिसीव्ड द पिंक लेडी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, किसने पिंक लेडी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? सुमन बेरी, डेबडेट चक्रवर्ती, सत्या स्वरण, करनाम शेखर। राइट आंसर इज बी, ऑफ डेबडेट चक्रवर्ती। एंड ही कैप्चर्ड हिज इमेज ऑन स्ट्रीट इन श्रीनगर इंडिया एट नाइट व्हेन इट बिकम्स अ बजिंग सेंटर फॉर फूड विद वेंडर कुकिंग ओवर चारकोल। इंडिया, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022?
और इंडेक्स में भी क्वेश्चन आए थे जेकेपीएसआई एग्ज़ाम में, डिफरेंट टाइप मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इंडेक्स बेस पे, रैंक बेस पे इंडिया का रैंक। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक था, 133rd, 140, 150, 157th, राइट आंसर इज 150। पार्ट सी, विच कंट्री होस्टेड द इंडिया नॉर्डिक समिट 2022, किस कंट्री ने इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 होस्ट की, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, राइट आंसर इज डेनमार्क। और नॉर्डिक कंट्रीज वो कंट्रीज है ये यूरोप के नॉर्थ में लोकेटेड हैं, और इनमें आती हैं डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये यहाँ पे ज़्यादातर बर्फ़ होती है मैक्सिमम टाइम पीरियड में साल में। विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप इन द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022, किस यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में टॉप किया है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, राइट आंसर इज वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, और ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, किसको अपॉइंट किया गया है एक्स ऑफिशियल मेंबर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का, अशिमा गोयल, मिरदुल सागर, राजीव रंजन, जयंत वर्मा, राइट आंसर इज राजीव रंजन। विच IIT हैज़ टाइड अप विद इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू डेवलप यूजर फ्रेंडली वेदर फॉरकास्टिंग ऐप, किस IIT ने टाइड अप किया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ताकि यूजर फ्रेंडली फॉरकास्टिंग ऐप डेवलप की जाए, राइट आंसर इज IIT बॉम्बे। हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड एट IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, कौन फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन बने जिसने गोल्ड जीता है IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, अंजलि पटेल, मोना नायक, हर्षद, शरद गारुड, मैबम, मार्टिना देवी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विच यूनिवर्सिटी हैज़ वन द सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, सेकंड एडिशन खेलो इंडिया गेम यूनिवर्सिटी गेम्स किसने जीती थी, अमिटी यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, जे डी गोयनका यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, राइट आंसर है जैन यूनिवर्सिटी। विच टीम हैज़ वन 75th संतोष ट्रॉफी नेशनल टूर्नामेंट, किस टीम ने 75th संतोष ट्रॉफी नेशनल टूर्नामेंट जीता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, राइट आंसर इज केरला। और ये संतोष ट्रॉफी ये है, अच्छा फुटबॉल से एसोसिएटेड है ये, वट इज नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट वेनिस मिशन, इंडिया के फर्स्ट वेनिस मिशन का नाम क्या है, वनीरा, विरिटा, शुक्रयान, आयुष्मान, राइट आंसर इज शुक्रयान ऑप्शन नंबर सी। हु हैज़ वन गोल्ड इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल एट 24 डेफलंपिक्स इन ब्राज़ील, डेफलंपिक्स जो ब्राज़ील में हुई थी 2022 में, तो ये 24th एडिशन है, तो इसमें किसने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता इंडिया के लिए, सूर्य सैनी, धनुष श्रीकांत, शुभम वशिष्ठ, वैभव राजौरिया, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शूटर धनुष श्रीकांत। इंडियाज़ फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब सेटअप एट, इंडिया की फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर सेटअप हुआ है, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मैसूरू, द राइट आंसर इज हैदराबाद। इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन, इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर सेटअप होगी, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा, केरला, द राइट आंसर इज उड़ीसा। विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू रीच 10 गीगावाट सोलर स्टेट, कौन सा स्टेट फर्स्ट स्टेट बनी इंडिया की जो 10 गीगावाट सोलर इंस्टॉलेशन, मतलब 10 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी इंस्टॉल की है उसने, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, असम, राइट आंसर इज राजस्थान। विच स्टेट यूटी हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 1100 फॉर एट बर्थ इन द कंट्री इन 2022, किस स्टेट या यूटी ने हाईएस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया है बर्थ पे एट बर्थ, और वो कितना, वो है 1104 2022 में इंडिया में, लद्दाख, त्रिपुरा, केरला, दिल्ली, राइट आंसर इज लद्दाख। और ये आई है रिपोर्ट वाइटल स्टैटिक्स, ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट है, वाइटल स्टैटिक बेस्ड रिपोर्ट है ये 2022 की। विच कंट्री हैज़ शेड्यूल टू होस्ट एशियन गेम्स 2022, कौन सी कंट्री में एशियन गेम्स 2022 खेली जानी थी, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया, राइट आंसर इज चाइना। और इनको पोस्टपोन किया गया था, अप्रैल में होनी थी तो वहाँ पे कोविड की वजह से इनको पोस्टपोन किया गया था, वो अप्रैल में नहीं, आई थिंक मई में होनी थी, ये मई में, मतलब ये पोस्टपोन हो गई थी, फिर आगे सितंबर में होनी थी कि कब होनी थी ये, लेकिन पोस्टपोन हो गई थी कोविड की वजह से। हु हैज़ वन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 फ्रॉम द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन,
किसने वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 जीता है? वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन से रिजवाना हसन, सिंथिया रोजनवेग, फ्रांसिस केरे, डेनिस सुलेमान। राइट आंसर इज ऑप्शन टू, सिंथिया रोजनवेग। फैटल केस ऑफ शिगेला बैक्टीरिया वाज रिपोर्टेड रिसेंट इन इंडियन स्टेट्स, इन विच इंडियन स्टेट? शिगेला बैक्टीरिया का केस कहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया में, किस स्टेट में हुआ था ये रिपोर्ट किया गया था? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, केरला। राइट आंसर इज केरला। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल 5 पीक्स अबाउट 8,000 मीटर? कौन फर्स्ट इंडियन वुमन बनी है जिसने 5 पीक स्केल की हैं जिनकी हाइट 8,000 मीटर से भी ज़्यादा है? अरुणिमा सिन्हा, बचिंद्री पाल, प्रियंका मोहिते, शिवंगी पाठक। तो राइट आंसर इज प्रियंका मोहिते। और इन्होंने ये मेजर फिर अचीव किया था माउंट कंचनजंगा को क्लेम करने के बाद, जो कि थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। और अप्रैल 2021 में प्रियंका फर्स्ट इंडियन वुमेन क्लाइंबर बनी थी माउंट अन्नपूर्णा, जो कि 10th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। और 2013 में उसने क्लेम किया था माउंट एवरेस्ट को। मुख्यमंत्री मुफ्त सेवर कनेक्शन योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाई स्टेट? मुख्यमंत्री मुफ्त सेवर कनेक्शन योजना किस स्टेट या यूटी ने इम्प्लीमेंट किया है, की है ये स्कीम? न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा। राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज वाइट ड्रैगन हैज बीन ओपन इन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज जिसका नाम है वाइट ड्रैगन, ये कहाँ पे ओपन किया गया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, थाईलैंड। द राइट आंसर इज वियतनाम। इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम टू बी हैंड ओवर टू NCRTC। इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हैंड ओवर किया जाएगा NCRTC को, कहाँ पे ये हैंड ओवर किया जाएगा? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। राइट आंसर है गुजरात। और NCRTC की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। स्टेट बिकम गवर्नमेंट लॉन्च ई अधिगम स्कीम टू प्रोवाइड टेबलेट टू 5 लाख स्टूडेंट के, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ई अधिगम स्कीम, स्टूडेंट को 5 लाख टेबलेट प्रोवाइड किए जाएंगे स्कीम के अंडर। हरियाणा, बिहार, राजस्थान, असम। राइट आंसर इज हरियाणा। स्टेट लॉन्च व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ सैंड मीनिंग व्हीकल्स, किस स्टेट ने लॉन्च किया है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप ताकि सैंड और मीनिंग व्हीकल का मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, हरियाणा। तो राइट आंसर इज हरियाणा। वट इज न्यू टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि 5th थी ये, इसके अकॉर्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है इंडिया में? 2.4, 2.2, 2.0, 1.9। तो राइट आंसर इज 2.0। और 2019 में ये था 2.2। टोटल फर्टिलिटी रेट होता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन। और सिर्फ 5 स्टेट्स हैं जिनको जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है फर्टिलिटी लेवल का, मतलब जो मतलब डॉटर रिप्लेस करती है मदर को, तो वो रेट वो होता है 2.1। तो ये सिर्फ 5 स्टेट्स में है, बिहार 2.98, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। और जो 2011 की सेंसस हुई थी तो वहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट था 2.4। विच बैंक हैज लॉन्च स्किल लोन्स इन एसोसिएशन विद एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम? किस बैंक ने लॉन्च किया स्किल लोन एडिशनल एक्विजिशन प्रोग्राम इन एसोसिएशन विद एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम के एसोसिएशन से? एक्सिस बैंक, कनारा बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल। तो राइट आंसर इज कनारा बैंक। हु लॉन्च ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉप स्मगलिंग इन ट्रेन? किसने लॉन्च किया है ऑपरेशन विजिलेंट स्मगलिंग को ख़त्म करने के लिए ट्रेन में? RSF, RPF, CRPF, none of these. राइट आंसर इज RPF और इसकी फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हु हैज अज्यूम द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स? किसने डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स का चार्ज अज्यूम किया है? संजीव कपूर, राम चौधरी, बरिंद्र सिंह, प्रदीप वसंत। राइट आंसर इज संजीव कपूर। विच सिटी होस्टेड इंडिया नेशनल कोयर कनक्लेव 2022? किस सिटी ने होस्ट किया इंडिया नेशनल कोयर कनक्लेव 2022? अगरतला, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, लखनऊ। तो राइट आंसर इज कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी JKPSI एग्जाम में आया था। कि स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ब्रेकफास्ट स्कीम प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा। तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एंड MD ऑफ HPCL? किसको नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है HPCL का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का? अरुण कुमार मिश्रा, संजीव मेहता, पुष्प कुमार जोशी, दीपक दास। राइट आंसर पुष्प कुमार जोशी।
Which Indian state has reported at least 82 cases of tomato fever? Which Indian state has reported at least 82 cases of tomato fever? किस इंडियन स्टेट ने रिपोर्ट किए थे 82 केसेज टोमेटो फीवर की? मतलब और फर्स्ट स्टेट थी इंडिया की जहाँ पे टोमेटो फीवर रिपोर्ट किया गया था? महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक. राइट आंसर इज केरला. फर्स्ट बिकम द फर्स्ट टेनिस प्लेयर टू बीट बोथ राफेल नडाल एंड नोवाक जोकोविच एट सेम क्ले कोर्ट इवेंट. कौन फर्स्ट टेनिस प्लेयर बने जिसने राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच दोनों को सेम इवेंट पे हराया? और ये दोनों टेनिस के सुपरस्टार्स हैं, मतलब बहुत बड़े प्लेयर्स हैं टेनिस के, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच. अलेक्जेंडर ज़वेरेव, स्टेफानोस सिटसिपास, एंड्रू रुब्लेव, कार्लोस अल्काराज. राइट आंसर है कार्लोस अल्काराज. और इसने ये हराया था ये मैड्रिड ओपन फाइनल में हराया था इसने नोवाक जोकोविच को, और क्वार्टर फाइनल में इसने हराया था राफेल नडाल को. और नहीं, कार्लोस अल्काराज इसने जीता था फाइनल, और इसने क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल को हराया था, और नोवाक जोकोविच को सेमीफाइनल में हराया था, और अलेक्जेंडर ज़वेरेव को फाइनल में हराया था. Which company has designed India's first regional rapid transit system? किस कंपनी इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिज़ाइन किया है? DRDO, HAL, Alstom, Siemens. Right answer is Alstom, option C. Who has scaled Mount Everest for the record 26 time? किसने Mount Everest को 26 time scale किया है? और ये सबसे बड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है. अंशु जमसन पर कमी, रिपा प्रियंका, मोहित प्रिया सोमवार. राइट आंसर नेपाल के हैं ये, शेरपा कमी रीता. विच बैंक हैज लॉन्च डिजिटल ब्रोकिंग सोल्यूशन ई ब्रोकिंग? किस बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग सोल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ई ब्रोकिंग? RBL, UCO, इंडिया, सिटी यूनियन. राइट आंसर इज इंडियन बैंक. हु हैज वन द इनॉग्रल मियामी ग्रैंड प्रिक्स इन 2022? मियामी ग्रैंड प्रिक्स जो फर्स्ट टाइम हो रहा था, मतलब ये इनॉग्रल था वहाँ पे, तो ये किसने जीता है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022? ये फार्मूला वन रेसिंग की बात हो रही है. चार्ल्स लेक्लर्क, मैक्स वर्स्टपेन, वाल्टेरी बोटास, लेविस हैमिल्टन. राइट आंसर इज मैक्स वर्स्टपेन. वेयर हैज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द प्रेस्टीजियस ग्लोबल बिजनेस समिट जीटो कनेक्ट 2022? पीएम मोदी ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया था बिजनेस समिट जीटो कनेक्ट 2022? झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक. राइट आंसर इज महाराष्ट्र. और जीटो की फुल फॉर्म है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अरे महाराष्ट्र में कहाँ पे हुआ था? पुणे में. बिटवीन विच कंट्रीज द डिफेंडर यूरोप 2022 वॉर एक्सरसाइज हैव बीन हेल्ड? किन कंट्रीज के बीच डिफेंडर यूरोप 2020 और स्विफ्ट रेस्पॉन्स 2020 वार एक्सरसाइज हुई थी? ये क्वेश्चन भी ऐसा एग्जाम में आया था. क्वाड कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज, नेटो कंट्रीज, नॉन ऑफ दिस. राइट आंसर इज नेटो कंट्रीज, ऑप्शन सी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. विच कंट्री इज नेम द बे ऑफ बंगाल साइक्लोन असानी? बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आया था जिसका नाम था असानी, तो ये नाम किसने दिया था? श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशियस, बांग्लादेश. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, श्रीलंका. रोड्रिगो चेज हैज बीन स्वॉरन एज द प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री. रोड्रिगो चेज किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका. राइट आंसर इज कोस्टारिका. विच स्टेट्स पोमोई इनहैबिटेड एरिया हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी अ ड्रग फ्री जोन? किस स्टेट के पोमोई जो एक ट्राइब है इनहैबिटेड एरियाज को डिक्लेयर किया गया है ड्रग फ्री जोन, मतलब जहाँ पे ये ट्राइब जहाँ ये ट्राइब रहती है पोमोई ट्राइब उस स्टेट में, तो वहाँ पे ड्रग का यूज कोई नहीं करता है. त्रिपुरा, असम, मणिपुर, नागालैंड. राइट आंसर इज मणिपुर. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ लाडी लक्ष्मी स्कीम? किस स्टेट यूटी ने लाडी लक्ष्मी स्कीम लॉन्च की? ये क्वेश्चन भी ऐसा एग्जाम में आया था. सेकंड फेज, असम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश. राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज वन द फर्स्ट चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 चेस टूर्नामेंट? किस इंडियन ग्रैंड मास्टर ने फर्स्ट चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 चेस टूर्नामेंट जीता था? ऑडी अमिया, डी गुकेश, जी आकाश, लियोन मेंडोन. का राइट आंसर इज डी गुकेश, बी, ऑप्शन नंबर बी. विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मिशन वसुंधरा 2.0 स्कीम? किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मिशन वसुंधरा 2.0 स्कीम? असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड. राइट आंसर इज असम गवर्नमेंट. और इसका है टू सॉल्व पर्पज है कि लैंड इश्यूज को सॉल्व किया जाए. विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड बिगेस्ट फिल्म रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट? किस कंट्री ने वर्ल्ड का बिगेस्ट फिल्म रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? USA, चाइना, इंडिया, रशिया. राइट आंसर इज इंडिया. और ये इंडिया में मुझे नहीं पता है. हाउ मेनी इंडियंस हैव बीन अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज 2022? कितने इंडियंस को पुलित्जर प्राइज 2022 दिया गया है?
1, 2, 4, 6 राइट आंसर इज 4 और इसमें एक जे एंड के से भी हैं जो 3 थे। एक तो हैं ये दानिश सदीकी, इनको इनकी डेथ हो गई थी, इनको ये पोस्टमसली मिला है। और उसके अलावा जो 3 हैं वो हैं अदनान आबिदी, सना इरशाद मत्तू एंड अमित देव। और जो ये हैं सना इरशाद मत्तू, ये फर्स्ट कश्मीरी बनी है जिसको ये अवार्ड मिला है, फर्स्ट कश्मीरी जर्नलिस्ट। युनसुक योल हैज बीन स्वॉरन एज द प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री। युनसुक योल किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? चाइना, मलेशिया, वियतनाम, साउथ कोरिया। राइट आंसर इज साउथ कोरिया। इस कंट्री इज होस्टिंग द थॉमस एंड ओबर कप 2022। कौन सी कंट्री थॉमस और ओबर कप 2022 को होस्ट करेगी? चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। राइट आंसर इज थाईलैंड। और ये दोनों कप बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। विच यूनियन मिनिस्टर विल बी लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन एट कैनस 2022 फेस्टिवल? कौन सा यूनियन मिनिस्टर लीड करेंगे इंडियन डेलीगेशन को कैनस 2022 फेस्टिवल में? अमित शाह, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू। राइट आंसर इज अनुराग ठाकुर। हु हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया? किसने बुक ऑथर की है जिसका नाम है स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया? गीता प्रेमाल, श्रीमान श्री राम चोलिया, प्रकाश सिंह, ऋचा मिश्रा। राइट आंसर इज प्रकाश सिंह, ऑप्शन सी। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज कन्फर्ड द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड टू? अमित शाह ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसको दिया है? असम पुलिस, बिहार, यूपी, केरला पुलिस। राइट आंसर इज असम पुलिस। ऑपरेशन डूडी अ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन वाज हेल्ड बाय विच आर्म फोर्स? ऑपरेशन डूडी जो एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है तो ये किस आर्म फोर्स ने कंडक्ट किया था, किसने इसको लीड किया था? आसाम आसाम राइफल, BSF, ITBP, इंडियन आर्मी। राइट आंसर इज आसाम राइफल्स। और ये हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। और ये 1991 में हुआ है। और जो इसमें सोल्जर्स थे तो उनको अवार्ड मिला गया है, तो तभी उसी वजह से ये न्यूज़ में था। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कौन नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के बने हैं? संजय कुमार, राजू कुमार, राजू मेहता, सुशील मेहता। राइट आंसर इज राजू कुमार। और पहले इलेक्शन कमिश्नर थे और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर खादी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस खादी के लिए कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ? न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। Which is the first Asian country to join in NATO cyber defense group? ये question भी ऐसा एग्जाम में ऐसा। कौन first Asian country है जिसने NATO का cyber defense group join किया था? India, South Korea, Sri Lanka, Bangladesh। Right answer is South Korea। Which nation will host the 2027 SEA Games? 2027 में SEA Games कौन सा nation host करेगा? Indonesia, Australia, Malaysia, Maldives। Right answer is Malaysia। Who has been appointed as the new CEO in MDF Air India? किसको नया CEO MD एयर इंडिया का अपॉइंट किया गया है? विक्रांत देवदत्त, चंपल विल्सन, अटुल भट्ट, अलकर IC। राइट आंसर इज चंपल विल्सन। विच स्टेट हैज लॉन्च चारा बिजाय योजना फॉर फोडर कल्टीवेटिंग फार्मर्स? किस स्टेट ने चारा बिजाय योजना लॉन्च की है फोडर कल्टीवेटिंग फार्मर्स के लिए? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, हरियाणा। तो राइट आंसर है हरियाणा। हु हैज बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022? किसको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से नवाजा गया है? अनी लेकेटन, डिबेडो, फ्रांसिस केरी, बालकृष्ण दोषी, शेले मैकनामारा। राइट आंसर है बालकृष्ण दोषी, इंडियन आर्किटेक्ट हैं ये। मार्कस जूनियर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मार्कस जूनियर किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? मलेशिया, फिलीपीन, वियतनाम, तैवान। राइट आंसर इज फिलीपींस। कैटालिन नोवाक हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ? कैटालिन नोवाक किस कंट्री की फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं? रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी। राइट आंसर इज हंगरी। Which state Magar village will become the first village of honey? किस state का Magar village first village of honey बनेगा इंडिया में? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। राइट आंसर इज महाराष्ट्र। Which space agency has grown plants in the soil collected from moon? किस space agency ने
प्लांट्स ग्रो किए हैं सॉइल पे जो मून से कलेक्ट की गई थी। इसरो रोसकॉस्मोस सीएनएससी नासा। राइट आंसर इज नासा। मुर्रा इज द मोस्ट कॉमन ब्रीड ऑफ विच एनिमल फाउंड इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। मुर्रा ये मोस्ट कॉमन ब्रीड है किस एनिमल की इंडिया में? हॉर्स, बफेलो, डोंकी, शीप। राइट आंसर इज बफेलो। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ऑलमोस्ट 35 million ईयर्स ओल्ड रेयर स्नेक फॉसिल फ्रॉम दिस टेरिटरी। साइंटिस्ट ने 35 million ईयर्स ओल्ड रेयर स्नेक फॉसिल किस स्टेट या यूटी में डिस्कवर किए हैं? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, मिजोरम। राइट आंसर इज लद्दाख। और इसका नाम है मैड स्नेक का नाम है मैड सोइडे स्नेक। मीडियम टू गिगेंटिक साइज है इसका। हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट COP15 समिट ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। किसने इंडिया को COP15 समिट जो हुई थी डेजर्टिफिकेशन कॉम्बैट करने के लिए, तो ये इसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव। राइट आंसर इज भूपेंद्र यादव, जो कि यूनियन मिनिस्टर है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। इंडियाज़ फर्स्ट अमृत सरोवर हैज़ बिन इनाग्रेटेड इन विच स्टेट। इंडिया का फर्स्ट अमृत सरोवर किस स्टेट में इनाग्रेट हुआ है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट में ये इनाग्रेट किया गया है। यूनाइटेड नेशन अप्रूव्ड विच कंट्री टू रिप्लेस रशिया ऑन यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ने किस कंट्री को अप्रूव किया है कि वो रशिया को यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में रिप्लेस करेगी? इससे पहले रशिया को पिछले लेक्चर में शायद पढ़ा था हमने कि रशिया को सस्पेंड किया गया था यूएन के द्वारा ह्यूमन राइट काउंसिल से यूक्रेन वार के वजह से। तो इसका ऑप्शन है जैक रिपब्लिक, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड। तो राइट आंसर है जैक रिपब्लिक। ईशा सिंह एंड सौरभ चौधरी वन गोल्ड इन मिक्स टीम पिस्टल इवेंट इन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन। ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए मिक्स टीम पिस्टल इवेंट में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में, तो कहाँ पे ये हुआ था? सऊदी अरेबिया, इसराइल, लेबनान, जर्मनी। राइट आंसर है जर्मनी। ISSF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। विच स्टेट गवर्नमेंट है लॉन्च चारा विजय योजना? ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो इसका आंसर है हरियाणा, ऊपर हमने किया था डिस्कस। मानिक शाह टुक ओथ एज ए न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ। मानिक शाह ने किस स्टेट का CM के तौर पे शपथ लिया ओथ लिया है? मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, असम। राइट आंसर इज त्रिपुरा। विच कंट्रीज टीम हैज वन थॉमस कप फाइनल 2022? थॉमस कप फाइनल 2022 किस कंट्री की टीम ने जीता है? इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, इंडोनेशिया। राइट आंसर है इंडिया। और ये कहाँ पे हुआ था? ये थाईलैंड में हुआ था। और थॉमस कप जो है ये इंडिया ने फर्स्ट टाइम जीता है, और इंडिया ने हराया है 14 time चैम्पियन इंडोनेशिया को। एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट विच कंट्री हैज टॉप द फॉरेन रेमिटेंस रेसिपिएंट लिस्ट? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस कंट्री ने टॉप किया है फॉरेन रेमिटेंस रेसिपिएंट लिस्ट में? इंडिया, मैक्सिको, चाइना, बांग्लादेश। राइट आंसर इज इंडिया। विच स्टेट बिकम इंडिया फर्स्ट स्टेट टू रिस्टोर ओल्ड एज पेंशन? कौन सी स्टेट इंडिया की फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने फिर से ओल्ड एज पेंशन को रिस्टोर किया है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। राइट आंसर है छत्तीसगढ़। विच बैंक हैज लॉन्च एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट? किस बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है ट्रेड नेक्स्ट? राइट ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटका बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। राइट आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? किसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज CBSE का चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है? मनोज आहूजा, इंद्रजीत मोहंते, निधि चिब्बर, आरसी कुहाड़। राइट आंसर इज निधि चिब्बर। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द भारत टैप इनिशिएटिव? किस यूनियन मिनिस्टर ने भारत टैप इनिशिएटिव लॉन्च किया था? गिरिराज सिंह, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, भूपेंद्र यादव। राइट आंसर इज
ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, और ये हैं मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। फाइव थाउजेंड ईयर ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री फाउंड इन हरियाणा इंडस वैली साइट। 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री को हरियाणा की किस इंदौस वैली साइड में पाया गया है। बनावाली, जोगनखेरा, मिठा थल, राखी गढ़ी। तो राइट आंसर इज राखी गढ़ी। रिसेंटली हाउ मेनी न्यू इंडियन लैंग्वेजेस हैव बीन एडेड इन गूगल ट्रांसलेट लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल। कितनी इंडियन लैंग्वेजेस को गूगल ट्रांसलेट लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल में ऐड किया गया था रिसेंटली? 5 लैंग्वेजेस, 8 लैंग्वेजेस, 12 लैंग्वेजेस, 15। राइट आंसर इज 8 लैंग्वेजेस। और ये हैं असामीज, भोजपुरी, संस्कृत, डोगरी, कोंकणी, मिटालियन, मिटिलॉन, मिजोयन, मैथिली। तो इसमें जे एंड के एक ही एक है, वो है डोगरी लैंग्वेज। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज नेम स्काई ब्रिज 721 हैज बीन ओपन्ड। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721, ये कहाँ पे ओपन हुआ है? रोमानिया, जैक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड। राइट आंसर इज जैक रिपब्लिक। विच कॉरपोरेशन हैज स्टार्टेड गर्ल एम्पावरमेंट मिशन? किस कॉरपोरेशन ने गर्ल एम्पावरमेंट मिशन स्टार्ट किया है? IOCL, ISRO, NTPC, none of these. Right answer is NTPC. Mohammed bin Zayed Al Nahyan was been appointed as the president of Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kis country ke president appoint hue hain? UAE, Saudi Arabia, Oman, Qatar. Right answer is UAE. Skill India International Center will be set up by NSDCI at Skill India International Center kahan pe set up hoga? और इसको सेटअप करेगी NSDCI, मुंबई, वाराणसी, जयपुर, हैदराबाद। राइट आंसर इज वाराणसी। और NSDCI की फुल फॉर्म है नेशनल स्किल इन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल। विच ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्च नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म NDAP? किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म NDAP? नीति आयोग, नॉस्कॉम, नेफेड, निहाज, NHAI। तो राइट आंसर इज नीति आयोग। और इस NDAP की फुल फॉर्म है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म। विच कंट्री टीम हैज़ वन बैडमिंटन्स प्रेस्टिजियस ओबर कप इन बैंकॉक थाईलैंड? बैडमिंटन का जो ओबर कप जो थाईलैंड में हुआ था, इसको किस कंट्री ने जीता है? ऊपर जैसे हमने थाईलैंड ये थॉमस का डिस्कस किया कि वो इंडिया ने जीता है, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया। राइट आंसर इज साउथ कोरिया ने हराया था चाइना को। रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वॉज इनाग्रेटेड फ्रॉम इज प्लेस? रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट किस जगह से इनाग्रेट किया गया था? वाराणसी, गांधीनगर, भोपाल, पुणे। तो राइट आंसर इज भोपाल। हसन शेख मोहम्मद हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेजिडेंट ऑफ। हसन शेख मोहम्मद को किस कंट्री के नया प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है? युगांडा, इथोपिया, कीनिया, सोमालिया। तो राइट आंसर इज सोमालिया। रामगढ़ विजधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन नोटिफाइड एज द फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ। रामगढ़ विजधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस स्टेट की फोर्थ टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज राजस्थान। Who has become first foreigner to scale Mount Everest 16 times? कौन first foreigner बने हैं जिसने Mount Everest को 16 times scale किया है? इससे पहले हमने ऊपर डिस्कस किया कि 26 time scale किया है, और वो जिसने किया है तो वो नेपाल के ही हैं, मतलब वो लोकल हैं, और ये फॉरनर हैं। तो वे कौन हैं? डेव हान, मेलिसा अर्नॉट, केंटन कोल, विली बिनेगास। राइट आंसर इज केंटन कोल, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। नवीन श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू।
नवीन श्रीवास्तव को इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर किस कंट्री के लिए अपॉइंट किया गया है? श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। राइट आंसर इज नेपाल। होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबॉरेटरी इन। होम मिनिस्टर अमित शाह ने नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबॉरेटरी कहाँ पे इनॉग्रेट की है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद। राइट आंसर इज हैदराबाद। विच टेनिस प्लेयर वन द इटालियन ओपन 2022 वुमेन सिंगल टाइटल? इटालियन ओपन 2022 वुमेन सिंगल टाइटल किस टेनिस प्लेयर ने जीता है? इगा स्वियातेक, ओंस जेबोर, गैब्रिला डेब्रोस्की, जूलियाना ओलमोस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इगा स्वियातेक। और मेंस की कैटेगरी में जीता है नोवाक जोकोविच। एलिजाबेथ बॉर्न हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एलिजाबेथ बॉर्न को किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? तो डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, इटली। राइट आंसर इज फ्रांस। टेक्नोलॉजी पोइनियर्स कमेटी इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? टेक्नोलॉजी पोइनियर्स कमेटी ये किस इंस्टीट्यूशन का इनिशिएटिव है? नीति आयोग, WEF, IMF, वर्ल्ड बैंक। राइट आंसर इज नीति, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसरो हैज सक्सेसफुली टेस्टेड ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर फॉर विच मिशन? इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, तो ये किस मिशन के लिए टेस्ट किया गया है? गगनयान, आदित्य L-1, चंद्रयान 3, आदित्य L-2। राइट आंसर इज गगनयान मिशन, ऑप्शन ए। विच स्टेट विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट ओन OTT प्लेटफॉर्म ऑन November 1? कौन सी स्टेट इंडिया की फर्स्ट स्टेट ऑन OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी? महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, गुजरात। राइट आंसर इज केरला। OTT की फुल फॉर्म है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। इंडिया ओवरटेक्स विच कंट्री टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट? इंडिया ने किस कंट्री को ओवरटेक किया है और बनी है फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट वर्ल्ड की? इससे पहले पिछले लेक्चर्स में हमने किया था कि इंडिया ने इस साल शायद वो लेक्चर में नहीं किया था, वो मैंने ऐसे शायद कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, वो थी 2023 के करंट अफेयर्स की। तो इंडिया ने जापान को ओवरटेक किया है और थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मेकर बना है वर्ल्ड का इंडिया। तो यहाँ पे है व्हीकल मार्केट ओवरऑल में तो फोर्थ नंबर पे, तो वो इंडिया ने किसको रिप्लेस किया है? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया। राइट आंसर है जर्मनी। वर्ल्ड बैंक है सेक्शन $350 billion टू विच स्टेट टू इम्प्लीमेंट द श्रेष्ठता प्रोजेक्ट? वर्ल्ड बैंक ने $350 billion किस स्टेट के लिए सेक्शन किए हैं ताकि वो श्रेष्ठता प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करे, उसमें उसको हेल्प हो? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। राइट आंसर इज गुजरात। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च लोक मिलनी पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम? किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है लोक मिलनी, जो कि एक पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। राइट आंसर इज पंजाब। विच स्टेट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज इन इंडिया? किस स्टेट में हाईएस्ट नंबर हैं बर्ड स्पीशीज इंडिया में? उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज उत्तराखंड। और उत्तराखंड में है 294 बर्ड स्पीशीज, और सेकंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल, 284 बर्ड स्पीशीज है वहाँ पे। इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स एट द डेफलिंपिक्स 2021? डेफलिंपिक्स 2021 जो कि 2022 में हुआ था, तो इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 15, 16, 17, 18। राइट आंसर इज 16 मेडल्स, और ये हुआ था ब्राज़ील में। विच स्टेट नंजारायण टैंक हैज़ बीन नोटिफाइड एज अ 17th बोर सेंचुरी? किस स्टेट के नंजारायण टैंक को नोटिफाई किया गया है 17th बोर सेंचुरी? आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। राइट आंसर इज तमिलनाडु। और ये लेक है। गोपाल विट्टल हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी? गोपाल विट्टल को किस कंपनी का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है? जोमेटो, एयरटेल, पे टी एम, फोनपे।
राइट आंसर इज एयरटेल. विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ वडनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? वडनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की होस्ट कौन सी स्टेट है? राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा. राइट आंसर इज गुजरात. विच इंडियन विल कंटिन्यू एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर अ रिकॉर्ड 20th ईयर? कौन से इंडियन यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के तौर पे कंटिन्यू रहेंगे 20th ईयर के रिकॉर्ड पीरियड के लिए, मतलब 20th ईयर कंजेक्टिवली वो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर रहे 20th ईयर तक? प्रियंका चोपड़ा, रोहित शर्मा, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर. राइट आंसर इज सचिन तेंदुलकर, जो कि इंडियन फेमस क्रिकेटर है. हु वन द 12th हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022? 12th हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती, किस स्टेट ने जीती? झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु. राइट आंसर इज उड़ीसा. विच कंट्री रिकॉर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ? किस कंट्री ने रिकॉर्ड की है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ जो कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है? बांग्लादेश, चाइना, थाईलैंड, इंडिया. तो राइट आंसर इज इंडिया. हु बिकम 5th इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन अ गोल्ड एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप? कौन 5th इंडियन वुमेन बॉक्सर बने जिसने गोल्ड जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप पे? पूजा रानी, मंजू रानी, सिमरनजीत कौर, निखत जरीन. तो राइट आंसर ही उस निखत जरीन, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती हैं. वर्ल्ड फर्स्ट अर्बन एयरपोर्ट पॉप अप एयर वन फॉर फ्लाइंग कार्स एंड ड्रोन्स हैज बीन ओपनड इन? वर्ल्ड का फर्स्ट अर्बन एयरपोर्ट पॉप अप एयर वन, ये जो फ्लाइंग कार्स और ड्रोन्स के लिए, ये कहाँ पे ओपन हुआ है? यूनाइटेड किंगडम, हांगकॉन्ग, जापान, चाइना. राइट आंसर इज यूके, ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम. विच इंडियन स्टेट वाज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? कौन सी इंडियन स्टेट टॉप रेसिपिएंट थी फाइनेंशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लोज फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, मतलब किसने एफडीआई सबसे ज़्यादा रिसीव किया है इस पीरियड में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका. राइट आंसर इज कर्नाटका. इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय? इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी, इसको किसने डिजाइन और डेवलप किया है? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR. राइट आंसर इज CSIR, ऑप्शन डी. हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू नॉवल टाइटल अ प्लेस कॉल्ड होम? किसने नॉवल लिखी है जिसका नाम है अ प्लेस कॉल्ड होम? कौन इसके ऑथर हैं? जगजीत सिंह, प्रकाश सिंह, प्रीति शिनॉय, रशीद किडवाय. राइट आंसर इज प्रीति शिनॉय. विच कंट्री हैज चेयर द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2022? किस कंट्री ने ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चेयर की थी 2022 में? जापान, चाइना, रशिया, इंडिया. राइट आंसर इज चाइना. और ब्रिक्स है ये 5 कंट्रीज का ग्रुप है, इसमें आती है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका. और थीम है 2022 इस ब्रिक्स की, वो है फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट. असम राइफल्स एंड एक्सिस बैंक पार्टनर टू एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सलेंस एंड वेलनेस इन स्टेट. असम राइफल और एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप की है सेंटर ऑफ वेलनेस एक्सलेंस और वेलनेस इसको इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए. तो ये किस स्टेट में इस्टेब्लिश करने के लिए ये इन्होंने पार्टनरशिप की है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, नागालैंड. राइट आंसर इज नागालैंड. राजीव रंजन एंड सिद्धि कांथा पटनायक अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ. राजीव रंजन और सिद्धि कांथा पटनायक को किस इंस्टीट्यूशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? RBI, SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक. राइट आंसर इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन, ये भी वो ये आया था SI एग्जाम में, JKPSI एग्जाम में. वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है?
कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। के टू राइट आंसर इज माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। विच फुटबॉल क्लब हैज वन यूईएफए यूरोपा फुटबॉल लीग टाइटल इन 2022। किस फुटबॉल क्लब ने यूईएफए यूरोपा फुटबॉल लीग टाइटल 2022 को जीता है? चेल्सिया, इंट्राज्ट फ्रैंकफर्ट, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंट्राज्ट फ्रैंकफर्ट। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक विल ओपन इट्स फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन इंडिया। इन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका फर्स्ट रीजनल ऑफिस इंडिया में कहाँ पे ओपन करेगा? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। राइट आंसर इज गुजरात। 41st एडिशन ऑफ हुनर हाट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन 41st एडिशन हुनर हाट का ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? वाराणसी, मथुरा, आगरा, कानपुर। राइट आंसर इज आगरा इन यूपी। मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन मूवी ज्वाइंटली प्रोड्यूस बाय। मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन मूवी इसको किन दो कंट्रीज ने ज्वाइंटली प्रोड्यूस किया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, इंडिया, नेपाल, इंडिया, भूटान। राइट आंसर इज इंडिया, ये ऑप्शन बी बांग्लादेश, इंडिया। हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज ऑस्ट्रेलिया 31st प्राइम मिनिस्टर? कौन ऑस्ट्रेलिया के 31st प्राइम मिनिस्टर बने हैं? एंथोनी अल्बेनीज, एंथोनी अल्बर्ट, लेक्स हॉक, स्टॉट रॉबर्ट। राइट आंसर इज एंथोनी अल्बेनीज। विच इंस्टीट्यूशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिया फर्स्ट 5G ऑडियो एंड वीडियो कॉल? किस इंस्टीट्यूशन ने इंडिया की फर्स्ट 5G ऑडियो और वीडियो कॉल टेस्ट की है सक्सेसफुली? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु। राइट आंसर इज IIT मद्रास। इंडिया फर्स्ट वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर वॉर्डक विल बी सेटअप इन इंडिया का फर्स्ट वॉर गेम रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? सेटअप होगा न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, सूरत। द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस कंपलसरी मंकी पॉक्स क्वारंटीन? ये क्वेश्चन भी आया था SI एग्जाम में। कौन सी कंट्री फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है कंपलसरी मंकी पॉक्स क्वारंटीन को? जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, स्पेन। राइट आंसर इज बेल्जियम। नोबल पीस प्राइज लूरिट जोस रोमस होटा हैज स्वर्न इन एज अ प्रेजिडेंट ऑफ नोबल पीस लूरिट जोस रेमस रोटा किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? ईस्ट टिमर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनी। राइट आंसर इज ईस्ट टिमर। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 एट। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 इनॉग्रेट किया? IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT पुणे। राइट आंसर इज IIT गुवाहाटी इन आसाम, ऑप्शन नंबर 1। हु हैज लेड इंडियन डेलीगेशन एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इन स्विट्जरलैंड? इंडियन डेलीगेशन को किसने लीड किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग में जो स्विट्जरलैंड में हुई थी? वरेंद्र कुमार, पीयूष गोयल, स्मृति जुबिन ईरानी, हर्षवर्धन श्रृंगला। राइट आंसर इज पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं इंडिया के। विच एडिशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश नेवी बायलेटरल कॉर्पोरेट एक्सरसाइज कमेंस इन नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल? इंडिया बांग्लादेश नेवी का बायलेटरल कॉर्पोरेट एक्सरसाइज नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में हुई थी तो ये कौन सा एडिशन था 2022 में? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। राइट आंसर इज फोर्थ। हु हैज वन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 एट सर्कुट डे बार्सिलोना सेटालूनिया? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर, मैक्स वर्स्टैपेन, वाल्टेरी बोटास, लेविस हैमिल्टन। राइट आंसर इज मैक्स वर्स्टैपेन। हु बिकम द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू समिट द एवरेस्ट बेस कैंप? कौन यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर बने हैं जिसने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप को सबमिट किया है मतलब वहाँ तक वो पहुँचे हैं? मालावत, पूर्णा, रिदम ममानिया, अर्जुन वाजपेयी, रजनी सेठ। राइट आंसर इज बी रिदम ममानिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? किसको नया लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया दिल्ली का? विनय कुमार सक्सेना, राजीव महर्षि, सुशील चंद्रा, राकेश अस्थाना। राइट आंसर इज विनय कुमार सक्सेना। आयुष मिनिस्ट्री हैज कन्फर्म द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एट? आयुष मिनिस्टर ने कहाँ पे 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को ऑब्जर्व करने की कंफर्मेशन दी है मतलब कहाँ पे ये ऑब्जर्व किया जाएगा 2022 की बात हो रही है ये।
अमृतसर, कोयम्बटूर, कोची, मैसूरू। तो राइट आंसर इज मैसूरू इन कर्नाटका। और ये योगा डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 जून को। और इसकी थीम थी 2022 की, वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और वो थीम आई भी थी एसआई एग्ज़ाम में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। किस स्टेट ने लॉन्च किया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। राइट आंसर इज राजस्थान। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 2022 वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? 2022 वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होगी? जेजू सिटी, इस्तांबुल, न्यू दिल्ली, अस्ताना। राइट आंसर इज इस्तांबुल इन तुर्की। शिरोई लिली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? शिरोई लिली फेस्टिवल को कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, नागालैंड। राइट आंसर इज मणिपुर। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 विद द थीम ऑफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और इसकी थीम क्या है? पीपल फॉर स्वच्छता, वेस्ट टू वेल्थ, रिडक्शन प्लास्टिक। राइट आंसर इज वेस्ट टू वेल्थ। विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर सेक्टर? कौन सी स्टेट फर्स्ट इंडियन स्टेट बनी है जिसने ड्रोन को यूज़ किया हेल्थ केयर सेक्टर में? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। राइट आंसर इज उत्तराखंड। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? किसको डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO का रीअपॉइंट किया गया? मतलब पहले भी ये थे और फिर से रीअपॉइंट हुए। हिरोशी नाकाजीमा, एंडर्स नॉर्डस्ट्रॉम, मार्गरेट चान, टेड्रस एडहानम घेब्रेयेसुस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, टेड्रस एडहानम। द 2022 क्वाड लीडर समिट हेल्ड 24 मई इन एट जो 2022 क्वाड लीडर समिट थी ये कहाँ पे हुई थी? ओसाका इन जापान, दुबई इन यूएई, रिफा इन बहरीन, टोक्यो इन जापान। राइट आंसर इज टोक्यो इन जापान। और क्वाड लीडर्स ये मतलब क्वाड कंट्रीज कौन कौन से हैं? इसमें आते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। और इस ग्रुप को बनाया गया था मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए। ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज इज द न्यू इनिशिएटिव ऑफ इच ऑर्गेनाइजेशन? ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है? ADB, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग। राइट आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हु हैज़ बिकम इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट? कौन इंडियन आर्मी की फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट बने हैं? ऐश्वर्या सिराज, गुंजन माथुर, तरिनी लाल, अभिलाषा बाराक। राइट आंसर इज अभिलाषा बाराक। वट इज रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022? वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में इंडियन एयरफोर्स का रैंक क्या है? सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, एट्थ। राइट आंसर इज थर्ड। विच कंट्री हैज़ टॉप मेडल टैली ऑफ 2022 IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में किसने टॉप किया है मेडल टैली में? किस कंट्री ने? बांग्लादेश, उरुग्वे, इजिप्ट, तुर्की। राइट आंसर इज तुर्की। और ये हुई भी थी ये चैम्पियनशिप तुर्की में ही। तालिबान हैज साइंड अ डील विद विच नेशन टू रन द एयरपोर्ट्स इन अफगानिस्तान? तालिबान ने किस नेशन से डील साइन की है कि वो अफगानिस्तान में एयरपोर्ट्स को रन करे? चाइना, रशिया, UAE, इसराइल। राइट आंसर इज UAE। वट इज इंडियाज रैंक इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2022? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक क्या है? 43rd, 54, 83, 90। राइट आंसर इज 54th। और 2019 में ये था 46। विच स्टेट लॉन्च संभव पोर्टल टू मॉनिटर ग्रीवेंसेस स्कीम्स रिलेटेड एनर्जी? किस स्टेट ने लॉन्च किया है संभव पोर्टल ताकि जो स्कीम्स रिलेटेड हैं एनर्जी की उनको मॉनिटर किया जाए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। विच ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली रिलीज मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट? किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट? WHO, ILO, NATO, none of these. Right answer is ILO, International Labour Organization।
विद विच कंट्री इंडिया हैज कंडक्टेड थर्ड एडिशन ऑफ नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज बंगो सागर। ये क्वेश्चन भी JKPSI एग्जाम में आया था। बंगो सागर एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच होती है, इंडिया और किस कंट्री के बीच होती है, तो कौन सा किस कंट्री के साथ बंगो थर्ड एडिशन नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है बंगो सागर इंडिया ने कंडक्ट की थी, किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो राइट आंसर इज बांग्लादेश। विच इज़ द फर्स्ट गल्फ स्टेट रिकॉर्ड केस ऑफ मंकी पॉक्स। कौन फर्स्ट गल्फ स्टेट मतलब गल्फ कंट्री बनी है जिसने रिकॉर्ड किया है मंकी पॉक्स को, मतलब वहाँ पे मंकी पॉक्स निकला है। सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, UAE। राइट आंसर इज UAE। नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द ऑड सुपर कंप्यूटर दैट वाज इनॉग्रेटेड एट NIT Tiruchirappalli। कौन सा सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेट किया गया था NIT Tiruchirappalli में। NIT है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। परम गंगा, परम पोरल, परम परवेगा, परम शक्ति। राइट आंसर इज परम पोरल। परवेगा भी हमने डिस्कस किया है और गंगा भी, और शायद शक्ति भी किया है हमने पिछले लेक्चर में। और जो ये है Tiruchirappalli, ये हुआ है क्या कहते हैं Tiruchirappalli में, कौन सा हुआ है, यह है परम पोरल। विच इज इंडियाज फर्स्ट मेट्रो सिटी टू प्रिपेयर अ डिटेल रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कौन सी सिटी इंडिया की फर्स्ट मेट्रो सिटी से है जो प्रिपेयर करेगी डिटेल रजिस्टर बायोडाइवर्सिटी का। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर। राइट आंसर इज कोलकाता। इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 हैज बीन इनॉग्रेटेड। इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 ये कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, पुणे, हैदराबाद। राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। विच कंट्री हैज टॉप इन मेडल टैली एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022। किस कंट्री ने मेडल टैली में टॉप किया है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में। फ्रांस, इंडिया, इटली, जर्मनी। राइट आंसर इज इंडिया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में इंडिया ने टॉप किया है मेडल्स टैली में। इंडिया ने जीते हैं 33 मेडल जिसमें से 13 गोल्ड, 15 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज हैं। President Ramnath Kovind has inaugurated the National Women Legislators Conference 2022 in President Ramnath Kovind National Women Legislator Conference 2022 कहाँ पे inaugurate किया, शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, थिरुवनंतपुरम। राइट आंसर है थिरुवनंतपुरम इन केरला। India's first lavender festival has been inaugurated in, ये J&K का question है। इंडिया का फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय। राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। और ये कहाँ पे हुआ था, ये इनाग्रेट किया गया था डोडा डिस्ट्रिक्ट की तहसील बदरवा में, बदरवा टाउन में ये इनाग्रेट किया गया था जितेंद्र सिंह के द्वारा। विच नॉवल बिकम फर्स्ट हिंदी नॉवल टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2022। कौन सी नॉवल फर्स्ट हिंदी नॉवल बनी है जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जीता है। टॉम्ब ऑफ सेम पिंजर, मलगुड़ी डेज, द वेजिटेरियन। राइट आंसर इज टॉम्ब ऑफ सेम। इसको लिखा है गीतांजलि श्री ने और इसको ट्रांसलेट किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा, इसने डेजी रॉकवेल ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। मीनाक्षी लेखी पार्टिसिपेट इन 7th ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग विच वॉज होस्टेड बाय जो मीनाक्षी लेखी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 7th ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 में। तो ये कहाँ पे होस्ट हुई थी, ये किस कंट्री ने होस्ट की थी मीटिंग, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। राइट आंसर इज चाइना। हु हैज लॉन्च्ड अ रिवैम्प्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन। किसने लॉन्च किया है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नीति आयोग, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज नेशनल हैवी अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA। वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है गुजरात। और गुजरात में कहाँ पे हुआ है, कलोल, गांधीनगर में। विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इंस्टीट्यूशनलाइज हेल्थ अकाउंट विद हेल्प ऑफ WHO। कौन सी स्टेट इंडिया की फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है हेल्थ अकाउंट को WHO की हेल्प से। आसाम, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान। राइट आंसर है राजस्थान। हु इज वट इज़ द थीम ऑफ द थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 हेल्ड इन न्यू दिल्ली।
थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का थीम क्या है जो हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली 2022 में, न्यू दिल्ली में हुआ था। ऑर्गेनिक सोर्स प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी एक्सीलेंट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल फूड। राइट आंसर इज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। विच स्टेट हैज रिसीव्ड स्कॉच अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। स्कॉच अवार्ड एजुकेशन की फील्ड में किस स्टेट ने रिसीव किया, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटिक पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन, ये भी जेएनके से रिलेटेड क्वेश्चन। नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटिक पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे हुई है, ये हुई है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, घाटी नाम की जगह पे, घाटी पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। हु हैज वन द एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एट द फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल। किसने एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड जीता है फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सोनू सूद, राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी। राइट आंसर इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं। जीआरएससी हैज लॉन्च इंडियन नेवी सर्विस स्पेशल आईएनएस निर्देशक एट जीआरएससी, जिसकी फुल फॉर्म है गॉर्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग। इन्होंने लॉन्च किया इंडियन नेवी की फर्स्ट सर्वे वेसल जिसका नाम है INS निर्देशक, तो ये कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है, चेन्नई, मैसूर, कोची, बेंगलुरु। राइट आंसर इज चेन्नई इन तमिलनाडु। हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट। कौन फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिसने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया ऑक्सीजन सपोर्ट के बगैर। प्रियंका मोहित है, पियाली बसाक, बलजीत कौर। नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज पियाली बसाक। Which state has become the second state to recognize community forest resource rights? कौन सी स्टेट सेकेंड स्टेट बनी है इंडिया की जिसने रिकॉग्नाइज किया कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को? छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड। नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। और फर्स्ट स्टेट जो थी वो थी उड़ीसा, और उड़ीसा ने रिकॉग्नाइज किया था 2016 में। हुए चेयर द मीटिंग ऑफ द 14th एडिशन ऑफ प्रगति। किसने 14th एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग को चेयर किया, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, रामनाथ कोविंद। राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी, जो कि इंडिया के पीएम है। मनी स्पाइडर एंड मिमिकिंग स्पाइडर डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मनी स्पाइडर जो जिसको कहते हैं, जो कि एंट मिमिकिंग स्पाइडर है, ये किस स्टेट में डिस्कवर हुआ है, गुजरात, आसाम, बिहार, केरला। राइट आंसर इज केरला। तो ये थे हमारे May 2022 के करंट अफेयर्स। होप ये हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।